जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की बैठक खजनी के विधायक संत प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी अखंड प्रताप मिश्र, एसपी लाइन सोनम कुमार, समिति के सदस्य लालचंद जाटव, विजय यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में SC ST एक्ट के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा पीड़ितों को मिलने वाली धनराशि के संबंध में चर्चा की गई तथा शेष बचे लोगों के धनराशि का अतिशीघ्र भुगतान के निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक संत प्रसाद ने कहा, सोमवार में चेक कर लूंगा कि सीडीओ साहब, एम साहब से, कप्तान साहब से ये हो जाएगा, सतत प्रक्रिया है, फिर आपके यहाँ से आता रहेगा, फिर हम उसको देखेंगे। फिर कुछ ना वो तो 16-17 का तो आपके यहाँ से सेग्रीगेशन है ना, वहाँ से जो लेता है। हमारे यहाँ तो सब चाहे 16 का हो चाहे 21 का हो और 20 का हो, वो तो हम सब उसको एडजस्ट करते हैं। जी सर बैठे अच्छा, हम तो सदन के नेता रहे जिला पंचायत, जो आप लोग कहते थे सर की बात मैं मानता था, मैं मान लो गया। आप सर से तो तमाम आते हैं, जो बैठक होती है उसमें हर विभाग के उसमें डायरेक्टर आते हैं, उत्तर प्रदेश जो कमेटी है, हाई पावर कमेटी, जैसे हमारे यहाँ जिला पंचायत की बैठक में ये जो है तो सर जाते हैं, सर की हम ये बताएंगे ना। इसमें यह है जो दलित वर्ग के लोग हैं, SC के जो कमजोर वर्ग के हैं, उनके साथ उत्पीड़न जो होता है उनके सहयोग के लिए कुछ राशि दी जाती है समाज कल्याण से, उसी संबंध में था। कितने लोगों का आया, कितना बाकी रहा, इसी संबंध में था और कोई नहीं है। सबको जो पिछले साल का था सब दे दिया, इन साल का भी 155 लोगों का था, उसमें आ गया कुछ 110 स्वीकृत हो गए, दो चार और हैं वो कल हो जाएगा।